वही नवनीत राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी स्तर पर काम करने वालों का समर्थन करते हैं और मैं पूरे समर्पण के साथ काम करूंगी और सभी को अपना परिवार बनाकर काम करूंगी। आज जो टिकट घोषणा सीधी हुई है उसके लिए मैं देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का स्पेशली, और पूरे देश के जो भाजपा के हमारे अध्यक्ष हैं नड्डा साहब का, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का, और राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बावन खुड़े साहब का दिल से धन्यवाद करूंगी। और जितने भी युति में, मैं एक ही बता सकती हूं कि बीजेपी में आज से मैं एक सामान्य कार्यकर्ता रहकर मैं मेरे क्षेत्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए जो भी करते आएगा मैं उसमें 100% उतर कर डेडिकेटेड भाजपा की कार्यकर्ता बनकर इस क्षेत्र में आगे काम करूंगी। वही नवनीत राणा के बीजेपी में शामिल होने पर महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी के मजबूत होने की बात कही। मोदी जी ने किए हुए सारे संसद में कायदे को उन्होंने मंजूरी दी और देश भर वो घूमती, जब नवनीत राणा देश भर की बात घूमते थे तब भी उन्होंने मोदी जी का विकास का जो संकल्प है वो जनता तक लेके जाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आज उनका पार्टी प्रवेश भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देगा। हमारे पश्चिम विदर्भ में हमको एक अच्छी नेता मिली है और उनका नेतृत्व ऐसा है कि सभी लोगों को साथ में लेकर, पुराने नए लोगों को साथ में लेकर वो काम करेगी। और बीजेपी में शामिल होने से पहले निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है और उन्हें महाराष्ट्र के अमरावती से टिकट दिया है जहां से नवनीत राणा मौजूदा सांसद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नवनीत राणा बीजेपी की उम्मीदवार बन चुकी हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मौजूदा सांसद वो अमरावती से हैं, ये निर्दलीय चुनाव वो जीती थी लेकिन अब बीजेपी ने उनको उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर नवनीत राणा कौन है जिनके बीजेपी में शामिल होने से पहले ही पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बना लिया। महाराष्ट्र की अमरावती सीट से मौजूदा सांसद हैं। ग्राफिकली हम समझाने की कोशिश करते हैं, ये नवनीत राणा है, महाराष्ट्र की अमरावती सीट से मौजूदा सांसद हैं। 2022 में मुंबई पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी किया था, आपको याद होगा वो विवाद, हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने को लेकर एक विवाद हुआ था जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। नवनीत राणा पर राजद्रोह का आरोप भी लगा था। 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था। 2014 में एनसीपी से टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गई थी। और लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने सातवीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में दो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है जिसमें महाराष्ट्र की अमरावती सीट से बीजेपी ने नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। नवनीत राणा इसी सीट से मौजूदा सांसद भी हैं। वहीं कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से बीजेपी ने गोविंद करजोल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने जिन दो सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है वे सुरक्षित सीटें हैं। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी ने 13 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए विधायक संजीव चौरसिया, रमेश विधूड़ी और संजय भाटिया को सह प्रभारी बनाया है। इस लिस्ट में बीजेपी ने सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा को महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी बनाया है। साथ ही निर्मल कुमार सुराना और जयभान सिंह पवैया को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। दिल्ली की जिम्मेदारी ओपी धनखड़ को सौंपी गई है जबकि अलका गुर्जर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए विधायक नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश के में पहले चरण के चुनावों के लिए नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी में जमकर भागम भाग हुई। दो सीटों पर तो हाल ऐसा रहा कि समाजवादी पार्टी के एक एक नहीं बल्कि पांच नेताओं ने नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। रामपुर में तो समाजवादी पार्टी को और भी फजीहत झेलनी पड़ी। वहां रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के तीन नेताओं ने नामांकन भर दिया। सुबह खबर आई कि इस सीट से समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को उम्मीदवार बनाया, उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया।
लेकिन शाम होते होते समाजवादी पार्टी के दो और नेताओं ने रामपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। आजम खान के करीबी अब्दुल सलाम तो दौड़ते हुए नामांकन दाखिल करने पहुंच गए, क्योंकि वो आखिरी वक्त पर गए और हांफते हुए कलेक्टर के दफ्तर में दाखिल हुए। इससे पहले आजम के एक और करीबी आसिम रजा ने भी पर्चा भरा, यानी रामपुर में समाजवादी पार्टी के तीन नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्ला नदवी के नाम का औपचारिक ऐलान किया था और इसी वजह से रामपुर में सियासी पारा चढ़ गया। क्योंकि खबर है कि जेल में बंद आजम खान रामपुर में अपने करीबी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं और ये फैसला उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी थी। सूत्रों ने बताया कि आजम चाहते थे कि अखिलेश रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी के बाद रामपुर में खींचतान शुरू हो गई और उत्तर प्रदेश की इस हॉट सीट पर समाजवादी पार्टी के नेता नामांकन के लिए दौड़ लगाते दिखे थे। रामपुर में आजम खान का दबदबा माना जाता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर में नवाब खानदान के लोगों की तूती बोलती थी, लेकिन आजम खान का नवाब खानदान से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। उन्होंने जब राजनीति की शुरुआत की थी तब रामपुर की सियासत में नवाब खानदान का दबदबा था, लेकिन आजम खान ने नवाब खानदान के दबदबे वाले रामपुर में अपनी अलग पहचान बनाई। या यूं कहें कि आजम खान रामपुर में नवाब खानदान का विकल्प बन गए और धीरे धीरे रामपुर में नवाब खानदान की सियासत का अंत हो गया, क्योंकि आजम खान रामपुर के आम लोगों की आवाज बन गए थे और इसमें उनका सुन्नी समुदाय से होना बड़ी वजह बन गया था, क्योंकि रामपुर का नवाब खानदान शिया समुदाय का था और रामपुर में रहने वाले आम लोगों में सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा थे और आजम खान भी सुन्नी समुदाय से ही आते थे। माना जाता है कि आजम खान को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में इस बात का बहुत फायदा हुआ था और 1977 में विधानसभा का चुनाव हारने वाले आजम खान की रामपुर में तूती बोलने लगी थी। आजम खान ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में अपनी पैठ बना ली थी। मामूली खानदान से आने वाले आजम खान वहां निचले तबके और मजदूरों की आवाज बन गए थे। अपना पहला चुनाव लड़ने से पहले आपातकाल में वो जेल भी गए थे और जेल से निकलते ही उन्होंने सियासत में अपना पहला कदम रखा था। लेकिन वो एक गरीब परिवार से आते थे और उनके पिता एक टाइपिंग सेंटर चलाते थे और यही उनकी आय का एकमात्र जरिया था, यानी आजम खान के पास संसाधनों की कमी थी। और कहते हैं कि संसाधनों की कमी ही 1977 के विधानसभा चुनावों में आजम खान की हार की वजह बनी थी। लेकिन चुनाव में हारने के बावजूद आजम खान ने हार नहीं मानी थी और खुद को टाइपिस्ट का बेटा बताकर आम लोगों से खुद को जोड़ा था। तब के पत्रकार बताते हैं कि आजम खान ने पत्रकार और शायर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को अपना गुरु बनाया था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर अंग्रेजों का विरोध करते थे क्योंकि आजादी से पहले रामपुर का नवाब खानदान अंग्रेजों का करीबी माना जाता था। रामपुर के नवाब यूसुफ अली ने तो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ भी दिया था।